गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मदर सुहाग इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आपको नया टॉपिक यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय बताया रहा है। उसमें से सबसे पहले क्या करना है कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने थ्योरी लिखी हुई है, कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। जब आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जो है नई चीजें आपको मिलेंगी। हम प्रश्नावली के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 है, उसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आप बुक से पढ़ लेना। जैसे एक बिंदु, बिंदु क्या है? बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु क्या है? मान लेना एक बिंदु निकाल लिया, तो बिंदु क्या है? बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, उसे बिंदु कहते हैं। आयत रेखा, मान लो कोई रेखा खींच दिया, इसी कोई चौड़ाई नहीं है, तो रेखा क्या होती है? लाइन। रेखा जो होती है वो चौड़ाई रहित होती है, उसी को हम रेखा कहते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो इस तरह कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आप बुक से पढ़ लेना। हम आपको प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य कथन है और कौन से असत्य कथन है। तो पहला पार्ट है, प्राय एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऐसा नहीं है, अगर हम कोई एक बिंदु बना दें, इस बिंदु से एक रेखा में ये खींच दिया, एक रेखा ये खींच दिया, एक रेखा ये खींच दिया, तमाम रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो कि असत्य है। ठीक, तो यह कथन आपका क्या है? असत्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो मान लो दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हो गई, इन दो बिंदुओं को मिला दिया हमने, तो इन दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं जो कि कथन असत्य है। तो दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, किराए एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए एक रेखा ये है, कोई बिंदु नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ऐसे इधर ही बढ़ा देंगे तो बढ़ाई जा सकती है, इसलिए दिया हुआ कथन क्या है? सत्य होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्राय यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। देख लीजिए, ये एक वृत्त है और एक वृत्त यह है, दोनों वृत्त मान लीजिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो उसका केंद्रीय तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ही वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अगर दोनों वृत्त बराबर हैं, मान लो इसका केंद्र यहां पर है, यह भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और यह भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी समान होंगी। जब एक ही त्रिज्या के दो वृत्त समान हैं, तो उनकी त्रिज्या भी समान होगी, तो दिया हुआ कथन यह भी सत्य होगा। इसके बाद फिर अगला है, पांचवें भाग में आकृति हुई है, यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY होगा। जब ये सब आपस में बराबर हैं, मान लीजिए यह रेखा है AB है और यह रेखा है PQ है, तो कह रहा है
ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई में कोई ना कोई एक रेखा होगी और यह रेखा एक्स वाई है। तो जब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ध्यान दीजिए, जब ए बी बराबर पी क्यू है तो हम पी क्यू बराबर ए बी भी कह सकते हैं, इसीलिए हम पी क्यू के स्थान पर ए बी ले सकते हैं। तो यहां हो जाएगा ए बी बराबर एक्स वाई, यानी दिया हुआ कथन यह भी सत्य होगा। ठीक, तो यह पहला क्वेश्चन आपको हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, डिफिनेशन दी है, उनकी परिभाषाएं आपको लिखना है। तो हम जो है चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, इसकी इमेज भी हम आपको भेज देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक बार पुनः पढ़ लेना। पहले क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। अगर इन दोनों रेखाओं को जहां तक उठाते ले जाएं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक, जो रेल की पटरियां हैं जिसमें रेलगाड़ी चलती है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, चाहे जितनी अधिक दूर तक चले जाए। अगर आगे पीछे हो जाएंगी तो रेलगाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। तो यह समांतर रेखा हो गई। इसके बाद अगला है लंब रेखाएं क्या होती हैं। तो लंब रेखाओं का मतलब होता है दो रेखाएं जो इस प्रकार हो कि मतलब वो जो है 90, उनके बीच का कोण 90 अंश का हो। हमने ए रेखा ये खींच दिया, लंब रेखा तो हमने रेखा ये खींच दिया। तो दो रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच का कोण 90 अंश का होता है, उसी को कहते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या है, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 अंश का होता है, उन रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। इसके अगला है रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित हो, यानी दो अंत बिंदु हो। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दो अंतिम बिंदु है। दो अंतिम बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब आ जाओ क्या वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि। यह वृत्त की परिधि है और यह वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसी को त्रिज्या कहते हैं। मान लो वृत्त का केंद्र O है, परिधि पर स्थित बिंदु A है, तो O से A के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। कहीं भी मिला सकते हैं, ये बिंदु हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर दो हो गया है। एक इसके बाद प्रश्न नंबर तीन आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं। प्रश्न नंबर चार में है नन्हे एक पद रह गई, वर्ग कह रहा, वर्ग वर्ग वह आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर होती हैं। कोई पूछ ले आपसे वर्ग क्या है, व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर यानी वर्ग वह बंद आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं,
उसी को हम वर्ग कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी है जो कि ए सी बराबर बी सी है तो हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो हम एक रेखा खींचते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बीच में एक बिंदु सी है। तो प्रश्न में दिया है ए सी बराबर ए बी और सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आ जाइए, उत्पत्ति में हम ये ले सकते हैं कि ए सी और प्लस बी सी बराबर ए बी, यानी ए सी और प्लस बी सी बराबर ए बी ले सकते हैं, लिख दिया हमने। अब प्रश्न में दिया है ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी दिया है, ए सी बराबर बी सी दिया है, ए सी बराबर बी सी दिया है, तो हमें ए सी लाना है, इसलिए बी सी के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं। ए सी और बी सी के स्थान पर भी ए सी कर सकते हैं बराबर ए बी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया है ए सी बराबर बी सी दिया है, इसलिए बी सी के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं। क्योंकि हमको ए सी बराबर लाना है, ए बी के रूप में लाना है, इसलिए बी सी को हमने हटा दिया। ए सी और ए सी हो गया 2AC बराबर ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 1/2 ए बी, इसी को हमें सिद्ध करना था प्रूफ। बच्चों समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 को जो है आप स्वयं लगाइएगा, ठीक है, वो भी इसी तरह का है, ठीक। इससे यहां से प्रश्नावली समाप्त होती है। होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हल करें, ठीक। धन्यवाद।